हेलो स्टूडेंट्स, और बीकॉम थर्ड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे टॉपिक है न्यूमेरिकल। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 होगा आज। सुनिए, इन ईच फॉलोइंग कंडीशंस कैलकुलेट नंबर ए पे बैक पीरियड, नंबर बी पोस्ट पे बैक प्रॉफिट, फिर सी पे पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। मतलब निम्नलिखित प्रत्येक अवस्थाएं में नंबर ए अदायगी अवधि, नंबर बी अदायगी अवधि के बाद के लाभ, नंबर सी अदायगी अवधि के पश्चात लाभदायकता निर्देशांक की गणना कीजिए। इसमें नंबर वन दे रखा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ₹10,000, फिर एनुअल कैश इनफ्लो ₹1,750, फिर एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स, सेल्विस वैल्यू नील दे रहे हैं, मतलब नहीं दे रखी हैं। सेकंड में है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ₹10,000, एनुअल कैश इनफ्लो ब्रैकेट में आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन इन फर्स्ट फोर ईयर्स, फर्स्ट फोर ईयर्स में दे रखा है ₹2,500 एंड इन नेक्स्ट सिक्स ईयर्स ₹1,250, एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स, सेल्विस वैल्यू नील। नंबर थर्ड में इनिशियल इन्वेस्टमेंट ₹10,000, एनुअल कैश इनफ्लो ₹1,750, एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स और सेल्विस वैल्यू ₹4,000। इसका मतलब है नंबर वन पे है प्रारंभिक निवेश ₹10,000, ₹10,000, वार्षिक डोकर अंतर प्रवाह ₹1,750, अनुमानित जीवन काल 10 वर्ष, निस्तारण मूल्य कोई नहीं, मतलब सैलरी वैल्यू निस्तारण मूल्य ये कोई नहीं दे रखा। नंबर दो पे प्रारंभिक निवेश ₹10,000, वार्षिक रोकड़ अंतर प्रवाह ब्रैकेट में कर के पश्चात किंतु हिरासत से पूर्व प्रथम 4 वर्षों में 2,500 रुपये, अगले 6 वर्षों में 1,250 रुपये, अनुमानित जीवन काल 10 वर्ष, निस्तारण मूल्य कोई नहीं। नंबर थ्री पे प्रारंभिक निवेश ₹10,000, वार्षिक रोकड़ अंतर प्रवाह ₹1,750, अनुमानित जीवन काल 10 वर्ष और निस्तारण मूल्य ₹4,000। अब इसका सॉल्यूशन सुनिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले फर्स्ट का ए डालेंगे, यानी कि पूछा है पे बैक पीरियड। सबसे पहले ऊपर पूछा है ना पे बैक पीरियड, तो सबसे पहले ए पॉइंट निकालेंगे पे बैक पीरियड। और नंबर वन में तो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होगा इजिकल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी है ₹10,000, तो 10,000 अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो है 1,750, तो इसका हमारा आ जाएगा 5.71 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद नंबर बी में है पोस्ट पे बैक प्रॉफिट इजिकल टू टोटल अर्निंग्स प्लस स्क्रैप वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसमें टोटल अर्निंग्स कितना है, यानी कि 1750 है, इसकी 10 वर्ष की लाइफ है, तो 1750 × 10 प्लस स्क्रैप वैल्यू नील दे रखी है, यानी कि सेल्विस वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू की है, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000।
अब 1750 की 10 से गुणा करेंगे, 17500 माइनस 10000 तो बराबर हो जाएगा 7500। अब नंबर सी पे पोस्ट पे बैक प्रॉफिट एबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, इसका फॉर्मूला है पोस्ट पे बैक प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। पोस्ट पे बैक प्रॉफिट आपका जो ऊपर निकल के आया था हमारा 7500 इनटू 100 अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ऊपर से मान के चले आ रहे हैं 10000, इसके हम कैलकुलेशन करेंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा 75%। ये हमारा फर्स्ट का कंप्लीट हुआ। अब हमारा होता है सेकंड वाला जो है इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले सेकंड का ए यानी कि पे बैक पीरियड निकालेंगे। इसमें ईयर दे रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेंथ, 10 साल तक के इनकी एनुअल कैश इनफ्लो उतार लेंगे। यानी कि कह रहा था ना कि ये कह रहा था क्वेश्चन नंबर सेकंड का इसमें कि फर्स्ट फोर ईयर्स में 2500, शुरू के चार ईयर्स में 2500 और बाद के छः ईयर्स में 1250। तो देखिए 2500 फर्स्ट में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिर बाकी के बाद के छः ईयर में 1250 आ जाएगा। 1050 फिफ्थ ईयर में, सिक्स ईयर में, सेवन्थ ईयर में, एट्थ ईयर में, नाइन्थ ईयर में और टेंथ ईयर में इसकी कम्युलेटिव कैश इनफ्लो निकाल देंगे। जैसे 2500 में 2500 ऐड करेंगे 5000, फिर 5000 में 2500 ऐड करेंगे 7500, फिर 7500 में 2500 ऐड करेंगे 10000, फिर 10000 में 1250 ऐड करेंगे 11250, फिर 11250 में 1250 ऐड करेंगे 12500 में 1250 ऐड करेंगे 13750, फिर इसमें 1250 ऐड करेंगे 15000 1250 ऐड करेंगे 16250, और 16250 में 1250 ऐड करेंगे 17500। अब देखिए आगे, तो इसका हमारा पे बैक पीरियड होगा फोर्थ ईयर, फर्स्ट फोर्थ ईयर में कह रहा है ना, खाली पे बैक पीरियड निकालना है इसका, तो पे बैक पीरियड बराबर फोर ईयर्स हो जाएगा। अब बी में क्या है, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट, तो पोस्ट पे बैक प्रॉफिट निकालेंगे इक्वल टू टोटल अर्निंग्स प्लस स्क्रैप वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। टोटल अर्निंग्स थी आपकी 17500 प्लस स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी तो निल, और माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10000, इसमें भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10000 है, 17500 माइनस 10000 तो इज इक्वल टू रुपीज़ 7500। देखो इसमें आ रहा है 17500, ये रखा है 17500। इसके बाद है नंबर सी पॉइंट है पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बराबर होगा पोस्ट पे बैक प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। पोस्ट पे बैक प्रॉफिट हमारा ऊपर निकाला था 7500 इनटू 100 अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10000, इसकी कैलकुलेशन आएगी 75%। अब थर्ड का ए निकालेंगे, पे बैक पीरियड बराबर इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 10000 अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो 1750, इसमें हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5.71 ईयर्स आ जाएगा। इसके बाद बी में पोस्ट पे बैक प्रॉफिट बराबर टोटल अर्निंग्स प्लस स्क्रैप वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। टोटल अर्निंग्स यानी कि 1750 इंटू 10 करेंगे प्लस स्क्रैप वैल्यू उसमें 4000 दे रखी हैं। देखो लास्ट में क्वेश्चन में दिखाया था मैंने सैलरीज वैल्यू 4000 रुपीज़ और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10000, एनुअल कैश इनफ्लो 1750, एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स।
1750 की 10 से मल्टीप्लाई करिए, 17500 प्लस 4000 माइनस 10000, फिर 17500 में 4000 प्लस करेंगे तो 21500, फिर इसमें माइनस 10000 करेंगे तो 11500। अब सी में आता है पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बराबर पोस्ट पेबैक प्रॉफिट अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। पोस्ट पेबैक प्रॉफिट कितना है, 11500 इनटू 100 अपॉन 10000, तो इसका आ जाएगा 115% आंसर। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था। अब क्वेश्चन नंबर 16, नगीना लिमिटेड इज कंसाइडिंग टू परचेज ए मशीन, टू मशीन्स ए एंड बी आर अवेलेबल एट द कॉस्ट ऑफ ₹120,000 ईच, अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन आर लाइकली टू बी एज अंडर। ईयर दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये मशीन ए मशीन बी की दे रखी है, 50,000, 40,000, 30,000, 20,000, 20,000। इसमें 20,000, 30,000, 50,000, 40,000 क्वेश्चन सुनिए। इवॉल्यूट द टू अल्टरनेटिव्स बाई यूजिंग नंबर ए पे बैक पीरियड मैथड और नंबर बी पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मैथड। सुनिए, नगीना लिमिटेड एक मशीन खरीदने का विचार कर रही है, 1,20,000 रुपये की प्रत्येक लाख की लागत पर दो मशीन ए तथा बी उपलब्ध हैं, कर के बाद परंतु हिरासत से पूर्व संभावित आय निम्नवत हैं। दोनों विकल्पों का मूल्यांकन कीजिए प्रयोग करते हुए पेबैक अवधि रीति का और पेबैक के बाद की लाभदायकता रीति का। सॉल्यूशन सुनिए, कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड, पहले ईयर डालेंगे 1, 2, 3, 4, मशीन ए मशीन बी, मशीन बी की पहले सी आई कैश इन फ्लो और फिर कम्युलेटिव कैश इन फ्लो बना लेंगे, 50,000, 40,000, 30,000 में तीन ईयर की दिखाएंगे, इसमें चारों ईयर की दिखाएंगे, इसकी कम्युलेटिव बना लेंगे। फिर पीबीपी मशीन ए का, यानी कि पहले में 3 ईयर्स हो जाएगा और मशीन बी में 3 ईयर्स, और उसके बाद कुछ है नहीं, इसमें प्लस 20,000 इंटू 2 12 कर देंगे अपॉन 40,000, और 3 ईयर्स 6 मंथ्स हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका ये पे बैक अवधि के आधार पर मशीन ए की अधिक उपयुक्त है। अब नंबर बी में पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी बराबर, तो पोस्ट पे बैक प्रॉफिट बराबर टोटल कैश इनफ्लो प्लस स्क्रैप वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मशीन ए का निकालेंगे, ₹1,60,000 प्लस निल माइनस ₹1,20,000 तो इक्वल टू ₹ आ जाएगा 40,000। मशीन बी में ₹1,80,000 प्लस निल माइनस ₹1,20,000 बस ₹60,000। पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालेंगे, मशीन ए का 40,000 इंटू 100 अपॉन 1,20,000 इजिकल टू 33.33%, और मशीन बी का 60,000 इंटू 100 अपॉन 1,20,000 इजिकल टू 50%, मशीन बी अधिक उपयुक्त है आंसर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।